सब पहले बताया कि बुद्ध जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स का मालिक है, कान नाक गले का मालिक है, जबान का मालिक है, ठीक है ना, और स्किन का मालिक है। तो बुद्ध जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स पर असर डालता है, क्या करता है। बुद्ध अगर काफी कमजोर होगा तो सुनने और बोलने की समस्या परेशान हो करेगी आपको, आप ना तो ठीक से सुन पाएंगे ना तो ठीक से बोल पाएंगे, कभी कभी गला भी खराब हो जाता है और लगातार बना रहता है, गला खराब होता है और लगातार इसके गले के खराब होने की जो स्थितियां हैं ना वो बनी रहती हैं। व्यक्ति की जो नाक है वो बंद रहती है, जुकाम सा अनुभव होता है, और कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि मुझे कोई गंध नहीं आती, मुझे कोई गंध और सुगंध आती नहीं है, कभी ये शिकायत करते हैं कि मुझे कोई महक खुशबू या बदबू नहीं आती है, और कभी कभी ये शिकायत करते हैं कि किसी तरह की गंध से किसी तरह की सुगंध से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ये जो प्रॉब्लम है ना ये मरकरी की प्रॉब्लम है, बुध की प्रॉब्लम है, बुध का सुगंध से बड़ा गहरा संबंध है। जिनको महक बड़ी पसंद होती है ना, खुशबू से प्रेम होता है ना, खूब परफ्यूम लगाते हैं, ऐसे लोगों की कुंडली में अमूमन जो मरकरी वाला पार्ट होता है ना, बुध वाला पार्ट होता है, बड़ा अच्छा होता है। खैर, क्या उपाय करना चाहिए अगर कान नाक गले की समस्या हो तो? रोज सवेरे गायत्री मंत्र का जप करें, कम से कम 108 बार, या मन में दोहराएं। 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें या मन में गायत्री मंत्र दोहराएं। गले में चांदी के चौकोर टुकड़े पर एंग लिखवा करके इसको धारण करें, चांदी के चौकोर टुकड़े पर एंग लिखवाएं और लाल धागे में या काले धागे में इसे बुधवार को पहन लें। कान नाक गले की समस्या हो तो हरे रंग के कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहने, उससे भी फायदा होगा। रोज सवेरे स्नान करने के बाद पीला चंदन अपने माथे पर, अपने कंठ पर और अपने हृदय पर लगाएं, इससे लाभ होगा, कान नाक गले की जो समस्या है वो समस्या दूर होगी। अगर हम अलग अलग विषय की बात करें ना, तो बायोलॉजी का मालिक होता है चंद्रमा, ठीक है ना, हिस्ट्री का मालिक होता है सैटर्न, शनि होता है, उसी तरह से जो गणित के विषय हैं या जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट हैं उसका जो मालिक होता है उसे कहते हैं बुध। वैसे तो जो हायर मैथमेटिक्स है उसमें मंगल की भूमिका भी होती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में जो गणित के विषय होते हैं या कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स होते हैं उसके पीछे जो ग्रह होता है वो बुध होता है। हो सकता है कि आपका बुध कमजोर हो, जिस वजह से चीज़ों को जोड़ने घटाने में, चीज़ों को समझने में आपको दिक्कत हो रही हो। बुध के कमजोर होने पर गणित विषय में अक्सर समस्याएं होती हैं, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है अगर बुध कमजोर हो जाए तो, और गणित से मिलते जुलते जो विषय हैं जैसे अकाउंटेंसी है, ठीक है ना, लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी समस्या होती है, और व्यक्ति को बार बार मैथमेटिक्स में, कैलकुलेटिव विषय में असफलता का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी तो व्यक्ति इतना परेशान होता है कि मैथमेटिक्स छोड़ करके कोई और पढ़ाई करना शुरू कर देता है, घबरा जाता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं मुझे मैथ तो समझ में आ ही नहीं रही है, क्या करना चाहिए। देखिए, एक बात हमेशा ये समझिए कि अगर आपको गणित नहीं आ रही है तमाम प्रयास करने के बावजूद, तो जबरदस्ती ऐसे विषय का चुनाव ना करें। आपके मित्रों ने मैथमेटिक्स ली है ये सोच के आप भी मैथमेटिक्स पढ़ने चल देंगे तो ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं होगी, इसलिए जबरदस्ती ऐसे विषय का चुनाव ना करें। पहली बात तो यही है कि अगर नहीं आ रही है तो जबरदस्ती लेना ही ठीक नहीं है, मत लीजिए। दूसरा, नित्य प्रातः और सायं, रोज सुबह और शाम को बुध के मंत्र का जप करें। अगर आपको गणित वाले पार्ट को अच्छा करना है तो सुबह शाम ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। अपने पढ़ने के स्थान पर हरे रंग की कोई मूर्ति लगाएं, गणेश जी की हो, भगवान बुद्ध की हो, ठीक है ना,
हरे रंग की मूर्ति लगा लें, या हरे रंग का कोई छात्र हो, हरे रंग का कोई लैंप हो, कोई मूर्ति, कोई चीज़ हरे रंग की अपने पढ़ने की जगह पर रखें तो बड़ा अच्छा रहेगा। खाने में थोड़ी सी हरी मिर्च का प्रयोग करें, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। एक तो हरी मिर्च खाने से इम्यूनिटी जो है आपकी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बड़ी अच्छी हो जाती है, और हरी मिर्च का नियमित सेवन करने से जो ब्रेन है ना, वो शार्प होता है, ऐसा देखा गया है। तो देखिए, बुध की जो समस्याएं हैं वो हमने आपको बता दी, और ये भी बता दिया, समझा दिया कि उसका सरल समाधान क्या है, कि उन समस्याओं को आप दूर कैसे करेंगे।